देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। दरअसल ये हादसा सिद्धार्थ नगर जिले के जोगिया कोतवाली क्षेत्र के मसीना गांव के पास हुआ, जहां एसएसबी की गाड़ी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नौगढ़ बांसी मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस के अधिकारियों के समझाने के बाद घंटों बाद जाम खत्म हुआ। आपको बता दें कि मसीना गांव निवासी कन्हैया जायसवाल बाजार जाने के लिए घर से निकला था। गांव के सामने एसएसबी का कैंप है। मेन सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है, एसएसबी वाला अपनी गाड़ी खूब फुल स्पीड में बैक कर दिया, उसी दौरान मेरा भाई टकरा गया। अब बीच सड़क में हादसा हुआ है। एसएसबी वाले जब गाड़ी बैक कर रहे थे तो उनको अपना किसी कांस्टेबल पीछे लगाना चाहिए, लेकिन वो लोग कुछ नहीं, बस चार पांच लोग खाली दिन भर मटर गश्ती करते हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ पे एक स्थानीय व्यक्ति की एसएसबी गाड़ी से दुर्घटना में मौत हो गई थी। पब्लिक में जनाक्रोश स्वाभाविक है, उसी के तहत यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे सड़क पे, क्योंकि घटना यहीं पर हुई थी तो स्वाभाविक है लोग चोट थे यहाँ पे। इस संबंध में हमारी सूचना मिलने पे तत्काल पुलिस फोर्स पहुँच गई, हमारे सारे अधिकारी पहुँच गए और तहरीर लिखी जा रही है, और तहरीर के आधार पे जो भी नामित किया जा रहा है, जिसका नामित होगा उसके खिलाफ लोग तक को आवश्यक जो विधिक कार्रवाई वो करेंगे। सामने से आ रहा कन्हैया की टक्कर गाड़ी से हो गई, जहां तत्काल मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब एक्सीडेंट की सूचना गांव वालों को मिली तो लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया और रोड को घंटों तक जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एएसपी ने किसी तरह स्थिति को काबू किया और पुलिस ने एसएसबी की गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।